नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। ये नजारा है सतरीज से तीरगांव जाने वाले मार्ग से सटे धिरई का पूर्वा नामक गांव का, जहां सड़कों की स्थिति देखते ही बनती है। सड़कों पर जलभराव से ग्रामीणों को आने जाने में समस्या का सामना तो करना पड़ रहा है, साथ ही इस जलभराव से कई प्रकार की बीमारियों का आगमन भी हो रहा है। शासन प्रशासन को इसकी तनिक भी भनक नहीं है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता दीपक सिंह की ये रिपोर्ट। क्या दिक्कत है यहाँ पे? रोड कोई भी नहीं बने, चाला भरा है। अच्छा। आप देख लीजिए, यहाँ कोई आने जाने के वो कीड़ा मकोड़ा बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है। दादाजी सफाई कर्मी नहीं आता है क्या? जी नहीं आते हैं, वो बहुत साल महीना में दो बार आएंगे तो आएंगे। क्या नाम है इसको सफाई कर्मी का? उसको हम नाम तो नहीं जानते हैं। अच्छा दादाजी, अच्छा बताइए, यहाँ पर नेता मंत्री लोग आते हैं तो उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है? जी यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा। वोट मांगने के बारे एक है, इसको हम बनवा देंगे, ये कर देंगे और सब कुछ कर देंगे। अच्छा। हो जाएंगे, हो जाता तो यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता। दादाजी ये बताइए, अच्छा अगर आप सांसद होते आप तो आप सड़कों को लेकर कौन सी कार्रवाई करते? अरे साहब यही करते कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो है इतना काम है तो यह करावा जाए कि। अच्छा पहले जो नेता शासन प्रशासन आता था ये वो भी पहले यही कहता था कि हम कार्रवाई करवाएंगे, वो भी बात आप बोल रहे हैं। हाँ। अगर आप भी ना करवाते तो उसके लिए गवर्नमेंट हो या हमारे लिए कोई हुआ, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे, हम लोगों से क्या चाहेंगे कि कौन सी कार्रवाई की जाए? इसको साहब जैसा अपना उचित समझो वैसा किया जाए कि हमारे गांव के रोड बनना चाहिए, सही दुरुस्त होना चाहिए। बीमारी बहुत ज्यादा, साल के बारह मास ऐसी रहती है? साल के बारह मास ऐसा ही। अच्छा, और घर का नालियों का पानी सब सड़क पर आता? सब सड़क पर आता है, हाँ कहूँ अंत नहीं जाता। और देखते हैं कि भैया इधर दिखाइए कैमरा मैन से, बहुत ही हालत खराब है और शासन प्रशासन को लेकर कोई भी जागरूक नहीं यहाँ पर। और ऐसे हम शासन प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि दादाजी की सुने और हमारी सुने। अरे कोरोना नामक महामारी में कम से कम